गिरी हुई है। हमने जानना चाहा पब्लिक से कि उनकी क्या राय है, कि ये मूवी बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आइए पब्लिक से जानते हैं उनके ओपिनियंस क्या है ये मूवी के बारे में, क्या राय है उसके बारे में। एक आम ऑडियंस के नाते सी द थिंग इज कि क्या होता है, एक पिक्चर जब बनती है तो बहुत मेहनत लगती है एंड एवरीवन इन्वॉल्वड इज यू नो हैज वर्कड रियली हार्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लाइन। सो आई अंडरस्टैंड सेंटिमेंट्स होते हैं एंड इट्स वेरी जस्टिफाइड सेंटिमेंट्स हैं, बट क्या है कि इस चीज़ से अगर वो चीज़ का सोल्यूशन निकलता तो एक बराबर है एमिकेबली आई थिंक दे शुड सॉर्ट आउट द इशू। एंड जैसे उन्होंने स्टैंड भी लिया है, करण जौहर ने भी स्टैंड लिया है कि आगे से ही वोंट इंडल्ज विद जो भी पाकिस्तान में दे वोंट वर्क विद एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान या दूसरा आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक ही इज़ मेड अ स्टैंड क्लियर। सो आई थिंक नाउ दे शुड यू नो बी अ लिटिल लीनियंट एंड लेट द मूवी रिलीज एटलीस्ट, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू वॉच इट ऑल्सो। और ऐसा कुछ वो नहीं है सेंटिमेंट की अगेंस्ट इंडिया जा रहा है, इज मेड फिल्म फॉर इंडिया एंड इज ऐसा फ्रॉम हिज फिल्म इज प्रिटी एविडेंट दैट ही लव्स हिज कंट्री एंड वुड नॉट डू एनी थिंग टू यू नो हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कलाकार के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई सीमा ही नहीं होती। सी कलाकार वही है कि टाइम टाइम पे है सब, कैसा होता है कैसे क्या नहीं है, यू नो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज इसमें सारे। अगर डिटेल में जाए तो बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, सबके पॉइंट्स है, जो वैलिड पॉइंट्स भी है जो नॉट वैलिड पॉइंट्स भी है, दोनों तरफ से हमेशा प्रोज एंड कॉन्स है। सो इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन, बट एज फार एज द फिल्म रिलीज इज कंसर्न बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लाइन। और पैसे से ज़्यादा जिनके करियर्स हैं यू नो जिन्होंने अपनी हार्डवर्क की है, 300 से ज़्यादा लोग क्रू में उन्होंने काम किया है, तो एक वो होता है कि चलो यू नो। और वो भी एक टाइम पे काम किया है जहाँ पर ये ऐसा कोई इश्यू था नहीं, तो टॉक्स भी थे पीस के। सो आई थिंक दे शुड बी यू नो दे शुड बी अलाउड टू रिलीज द फिल्म। थैंक यू। आई कांट गिव माय ओपिनियन, बट एज आई हैव सीन द इन द टीवी दैट लॉट ऑफ पीपल्स आर सेइंग इट शुड बी बैन्ड, बट व्हाई इट शुड बी बैन्ड ड्यू टू दैट पाकिस्तानी एक्टर नो। Definitely it should be banned. Thank you. Aide Mushkil should be released because I think Aide Mushkil should be released because actors already been paid, you know. वो सबको पैसे मिल चुके हैं उनके, रणबीर, वाद खान, ऐश्वर्या राय एंड करण जौहर has given a lot of expense on this making of picture, you know. So all will go waste, you know. And और डायरेक्शन बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं एक पिक्चर से जुड़े हुए, सो इफ इट डजेंट गेट रिलीज और पोस्टपोन तो सारे इंडियंस का लॉस होएगा अल्टीमेटली। तो हमें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी एक्टर्स हैं काम कर रहे हैं तो बैंड कर दें, क्योंकि उनके बैंड की वजह से कितने लोगों का लॉस होएगा, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, सबका। सो मेरे ख्याल से पिक्चर रिलीज होनी चाहिए एंड द सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, चन्ना वेलिया एंड प्रोमोस जो दिख रहे हैं जोड़ी रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय की बहुत ही प्यारी है, बहुत सिजलिंग हॉट है। तो आई एम वेरी पब्लिक निराश हो जाएगी अगर रिलीज नहीं होती है, तो पब्लिक काफ़ी निराश हो जाएगी। हाँ, मैं तो काफ़ी निराश हो जाऊँगा अगर मैं देख नहीं पाया, और बहुत सारी पब्लिक जो कि ऐश्वर्या और रणबीर को पहली बार देख रही है प्रोमोज में और उनको नहीं देखने को मिलेगा तो काफ़ी निराश हो जाएंगे, दिल टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ मतभेद नहीं करना चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और पिक्चर रिलीज करनी चाहिए एदले मुश्किल, और खुशी के साथ दिवाली बनाना चाहिए, एदले मुश्किल देखनी चाहिए। और गुड लक टू करण जौहर, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या और बाकी सारे जो भी पिक्चर में कलाकार हैं उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से गुड लक। बात करें देखिए सर, इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में इस तरह की विवादित रही हैं, और जैसा कि करण जौहर साहब ने माफ़ी मांगी है कि वो भविष्य में इस तरह के पाकिस्तानी एक्टरों के साथ काम नहीं करेंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर जिस देश में हम हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ की बुराई करें तो ये गलत है, लेकिन अगर करण जौहर साहब ने बोला हुआ है कि नहीं आगे ऐसा नहीं होगा तो रिलीज होनी चाहिए। नहीं रिलीज होती है तो कैसा रिएक्शन रहेगा आपका? अब नहीं रिलीज होती है तो इसमें मतलब जितने लोगों का पैसा लगा है वो घाटे में जाएंगे, और पब्लिक को काफ़ी निराशा लगेगी। पब्लिक को निराशा लगेगी तो एक फिल्म से रिलीज होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और झगड़ा जितना बढ़ाएंगे बढ़ेगा। हाँ, झगड़ा जितना ही बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा। मुहूर्त आ रहा है रिलीजिंग का,
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किस प्रकार की ठेस उस प्रोड्यूसर को जाए, उस प्रोडक्शन हाउस को जाए। और ये तो पहले से ही प्री प्लान था, ये जो अब इश्यूज़ है अभी के हैं, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही बड़ी है, और ये बॉलीवुड का अच्छा पिक्चर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक दर्शक हूँ कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का एक पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी ऑन टाइम रिलीज़ हो, और ये जो इश्यूज़ है मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी कला यूनिवर्सल है, सीमाएं नहीं होती है, कुछ सीमाएं नहीं होती है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसका कोई स्क्वायर नहीं होता, ये लार्जर दैन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दिल है मुश्किल ऑन टाइम रिलीज हो। बेस्ट लक उस टीम को, करण जी आपकी सारी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारे बेस्ट लक, बॉलीवुड के लिए आपके प्रोडक्शन हाउस ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है और बाद में भी अच्छी अच्छी फिल्में आप दी है, हमारी ये शुभकामनाएँ, धन्यवाद, थैंक यू। ए दिल मुश्किल के बारे में बात, ऑब्वियसली रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि आई एम माई सेल्फ फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ खुद की मैं, तो उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं या एडीज जो काम करते हैं, स्पॉट बॉयज काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं मूवी में, उनको पैसे नहीं मिल रहे। और जो फवाद खान है मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, जो भी हुआ इसमें पेट्रिज्म नहीं आता, लेकिन जो भी है वो अपनी फीस लेके चले गया है फवाद खान, जो हमें मतलब फिल्म मेकर्स को, स्पॉट बॉयज़ को, एडीज़ को, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि रिलीज सैलरी मोस्टली रिलीज़ के बाद मिलती है लोगों को, तो डेट्स बाय होनी चाहिए रिलीज़ इंडियंस की वजह से भी, इंडियंस का लॉस हो रहा है, प्रोड्यूसर का लॉस हो रहा है, करण जौहर का लॉस हो रहा है, हमारे इंडियंस का ही लॉस हो रहा है उसकी। थैंक यू। क्या कहना चाहिए फिल्म के नाम के साथ? देखो ए दिल है मुश्किल मेरे हिसाब से तो रिलीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि जब बोल रहे हैं कि फवाद खान है मूवी में, नहीं होनी चाहिए, बट जब रिलीज़ हो, जब शूट हो रही थी मूवी वो साल भर पहले रिलीज़ शूट हो रही थी, और ये अभी जो यूरी अटैक्स हुए हैं ये एक महीना पहले हुए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज वो कह भी रहा है कि करण जौहर के आगे से काम नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से तो अलाउ कर देनी चाहिए, और इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए किसी के। थैंक यू। ए दिल मुश्किल के बारे में अगर बात करें, आई सपोज ओपिनियन इज इट शुड बी गिवन अ चांस, एटलीस्ट दी वर्क एंड दी मनी दैट हैव बीन गिवन इनटू दी मूवी माइट बी, आई नो दी रीजन बिहाइंड द मैन इज जेन्युइन, बट क्या मतलब दी मूवी शुड बी गिवन अ चांस बिकॉज़ देयर सम फेयर टू द प्रोड्यूसर, because in the end it's a movie, right? So there's a lot of art involved in it, and there should be like art is beyond borders and everything like that, so like you know making the country like the country relations main target as to why the movie is supposed to be banned, it doesn't make sense. Like there's art is for all, art does not differentiate between your country or whatever, so I think it should not be banned. Yeah, it's just about freedom of speech, nothing. Thank you. Visual. ye thi public ki raaye ae dil mushkil ke bare mein। कैमरामैन मोशन शेख के साथ मयूर, बीएनबी न्यूज़ मुंबई।